सो हे फ्री फायर लवर्स, स्वागत है आप सभी का ओपी ब्रदर्स के और एक कमाल के वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप थाईलैंड सर्वर का फ्री फायर आईडी कैसे बना सकते हो, वो भी बिना किसी वीपीएन यूज किए हुए। दोस्तों, थाईलैंड सर्वर में दोस्तों बहुत सारे रिवॉर्ड हमें फ्री में मिलते हैं, गोल्ड में भी मिलते हैं एंड डायमंड भी मिलते हैं। बहुत कम डायमंड में हमें अच्छे अच्छे रिवॉर्ड हमें मिलते हैं थाईलैंड सर्वर में। साथ ही दोस्तों, थाईलैंड सर्वर में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे इवेंट होता है जो कि दोस्तों उधर पहले ही आ जाता है। तो दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हो तो दोस्तों इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप पहले ही उधर के सर्वर में जाके आप वीडियो बना सकते हो सबसे पहले, और आपको व्यूज वगैरह भी मिलेंगे। तो दोस्तों, आप किस लिए बनाना चाहते हो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। तो चलिए दोस्तों, आपको बताती कि कैसे क्या करना है, बट उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को प्लीज एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब यूज कर लेना, क्योंकि दोस्तों बहुत ज्यादा मेहनत और टाइम लगता है एक एक वीडियो को रेडी करने में। ओके, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे क्या करना है। सबसे पहले आपको सेटिंग पे क्लिक करना है, फिर दोस्तों यहां पे आपको लैंग्वेज मिलेगा, लैंग्वेज पे आपको क्लिक करना है। यहां पे दोस्तों आपको थाईलैंड लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। यहां पे दोस्तों मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूं, ये वाला लैंग्वेज दोस्तों यहां पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहां पे आपको ओके करना है, फिर दोस्तों यहां पे आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों अपने आईडी को दोस्तों यहां से आपको लॉग आउट कर देना है। अपने आईडी को दोस्तों यहां से आप लॉग आउट कर सकते हो, यहां पे आपको लॉग आउट पे क्लिक करना है एंड यहां पे दोस्तों आप लॉग आउट कर देना। एंड लॉग आउट कर देने के बाद दोस्तों आपको फ्री फायर गेम को आपको क्लोज कर देना है अपने मोबाइल में। एंड क्लोज कर देने के बाद दोस्तों आपको वापस से फ्री फायर को फिर से रिस्टार्ट करना है। तो वीडियो को ध्यान से देखो ताकि आप गलती ना करो। तो यार ऐसा आपको फिर से आपको लॉगिन करना है एंड यहां पे दोस्तों आपको लैंग्वेज को डाउनलोड करना है, यहां पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहां पे दोस्तों लैंग्वेज यहां पे डाउनलोड हो रहा है, थाई लैंग्वेज यहां पे डाउनलोड होगा, तो यहां पे दोस्तों डाउनलोड हो जाने देना है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहां पे दोस्तों आपको नया अकाउंट से दोस्तों लॉगिन हो जाना है, नया फेसबुक अकाउंट, नया जीमेल अकाउंट, या फिर दोस्तों अगर आपके पास गेस्ट अकाउंट है तो आप उसी से यहां पे लॉगिन हो जाना है। तो मेरे पास नया जीमेल अकाउंट है, तो नया जीमेल अकाउंट से दोस्तों मैं यहां पे लॉगिन हो जाता हूं। तो गाइस समझ रहे हो ना, आपको एक ऐसा अकाउंट की जरूरत पड़ेगी जिससे दोस्तों आपने फ्री फायर में पहले कभी भी नहीं लॉगिन किया था। तो दोस्तों आप फेसबुक का अकाउंट यूज कर सकते हो, गूगल अकाउंट यूज कर सकते हो, या फिर गेस्ट अकाउंट भी यूज कर सकते हो। तो यहां पे मैंने गूगल अकाउंट यूज कर लिया है। इसके बाद दोस्तों इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहां पे दोस्तों यहां पे तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। दोस्तों आपको लास्ट वाले को सिलेक्ट करके यहां पे आपको क्लिक करना है, फिर दोस्तों यहां से आप आगे बढ़ जाएंगे। यहां पे दोस्तों आप अपने नाम भी लिख सकते हो, यहां पे मैंने अभी के लिए क्लिक कर दिया, मैंने नाम वाम नहीं लिखा, जो भी है रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको, खाली आपको वीडियो बना के दिखाना है, कोई मतलब नहीं हमको। तो यहां पे दोस्तों आपको ऐसा कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहां पे आपको इस साइड पे जो लिखा हुआ है इसको दोस्तों आपको सिलेक्ट करना है एंड यहां पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहां पे आपको फिर से क्लिक करना है। और दोस्तों इधर का लैंग्वेज अभी आप दोस्तों पूरा बिगड़ चुका है, थाई लैंग्वेज हो चुका है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसे आप बाद में सही कर सकते हो, मैं करके भी दिखाऊंगा। यहां पे आपको क्लिक करना है एंड यहां पे एक छोटा सा मोड स्टार्ट हो जाता है, इसको सबसे पहले आपको फिनिश कर लेना है। यहां पे दोस्तों आपको एक एक्स्ट्रा बटन दिख रहा है, यहां पे क्लिक करके दोस्तों आप इसको छोड़ सकते हो, इस वाले मोड को। फिर दोस्तों आप यहां पे क्लिक कर देना। यहां पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आप डायरेक्ट लॉबी पे चले जाओगे, जैसे कि दोस्तों इधर आप दोस्तों और स्टार्ट करने का बटन यहां पे दोस्तों यहां पे आपको शो कर रहा है, यहां पे आपको क्लिक करना ही पड़ेगा। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहां पे वापस से एक मोड स्टार्ट हो जाएगा, छोटा सा गेम स्टार्ट हो जाएगा। इसको दोस्तों आप छोड़ सकते हो, सेटिंग में क्लिक करना है, फिर आपको यहां पे क्लिक करना है, फिर आपको यहां पे क्लिक करना है एंड इस वाले गेम को दोस्तों आप यहां पे छोड़ सकते हो। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो हम लॉबी में आ चुके हैं एंड ये दोस्तों अभी हम लोग का लैंग्वेज को सही करने का टाइम आ चुका है, हम लैंग्वेज को इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे। और यहां पे दोस्तों जैसे किए थे हम वैसे करेंगे, हम लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लिए। इसके बाद दोस्तों हम गेम को दोस्तों यहां पे रीस्टार्ट करेंगे। दोस्तों आपको लैंग्वेज इंग्लिश कर लेना है एंड आपको गेम को दोबारा से रीस्टार्ट करना है, मतलब क्लोज करके फिर से आपको ओपन करना है। तो दोस्तों हम लोग का इधर ओपन हो रहा है और ओपन होते ही दोस्तों इधर आप देखना हम लोग का जो लैंग्वेज है वो सही हो जाएगा, जैसे कि दोस्तों इधर आपको मैं दिखा देता हूँ, हम इधर लॉग इन हो जाते हैं फटाफट से। तो दोस्तों अभी आप देखते हो हम लोग का जो लैंग्वेज है वो सही हो चुका है। तो अब बारी आती है देखने की कि ये थाईलैंड सर्वर का आईडी बना कि नहीं। तो हम सेटिंग पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे दोस्तों आप देखते हो थाईलैंड लिखा हुआ आ रहा है, मतलब कि थाईलैंड सर्वर का आईडी बन चुका है एंड थाईलैंड सर्वर में जो भी इवेंट आया है सारा का सारा दोस्तों इधर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों आप थाईलैंड सर्वर में आईडी बना सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब यूज करना, मैं इधर का इवेंट वगैरह देख रहा हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।